हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग आपके पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रेडमी के दो नए स्मार्टफोन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपके वीडियो शुरू करें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में। ये दोनों मोबाइल जो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मोबाइल है, ये दोनों मोबाइल के पूरा डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में जानते हैं। अगर इस मोबाइल के डिस्प्ले साइज के बारे में बात करें तो इस मोबाइल में आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले, साथ में दोस्तों LCD का डिस्प्ले मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मोबाइल की स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में। तो इस मोबाइल में आपको दोस्तों 2400x1080 का पिक्सल मिल जाता है। अब इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप बात करते हैं दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के डिस्प्ले के बारे में। तो इस मोबाइल में अभी आपको दोस्तों 6.67 इंच के डिस्प्ले, साथ में दोस्तों LCD का डिस्प्ले मिलता है। इस मोबाइल की स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में बात करें दोस्तों, इस मोबाइल में आपको 2400x1080 का पिक्सल मिल जाता है। इस दोनों मोबाइल के डिस्प्ले में तो कोई अंतर नहीं था दोस्तों। अब इस दोनों मोबाइल के बैटरी चार्जर के बारे में जानते हैं। रेडमी नोट 9 प्रो में दोस्तों आपको 5020mAh का बैटरी, साथ में दोस्तों 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अगर वही रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस मोबाइल में अभी आपको दोस्तों 5020mAh का बैटरी, साथ में दोस्तों 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस दोनों मोबाइल के बैटरी में तो कोई अंतर नहीं था दोस्तों, लेकिन चार्जर में थोड़ा अंतर है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा रेडमी नोट 9 प्रो में दोस्तों 18W का चार्जर दिया गया, वहीं दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आपको 33W का चार्जर मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों मोबाइल के कैमरा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरा के बारे में। इस मोबाइल में आपको दोस्तों पीछे के साइड 4 कैमरा मिलता है, जो कि 48 MP का मेन कैमरा, साथ में दोस्तों 8 MP का ट्रे वाइड कैमरा और 5 MP का डीप कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। अगर इस मोबाइल के सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें दोस्तों, इस मोबाइल में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के कैमरा के बारे में। इस मोबाइल में भी आपको दोस्तों पीछे की साइड 4 कैमरा मिलता है, जो कि 64 MP का मेन कैमरा है, साथ में दोस्तों 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 MP का मैक्रो कैमरा, 2 MP का डीप कैमरा मिलता है। अगर वही सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें दोस्तों, इस मोबाइल में आपको दोस्तों 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों मोबाइल के कैमरा के बारे में बात हो गई है दोस्तों, अब दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट के बारे में बात करते हैं। तो दोनों मोबाइल में आपको दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों मोबाइल के रैम और रोम के बारे में। अगर रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में बात करें दोस्तों, इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम, साथ में 64 GB इंटरनल मिलता है। अगर वही दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में बात करें दोस्तों, उस मोबाइल में आपको 6 GB रैम, 8 GB रैम, साथ में दोस्तों 128 GB इंटरनल आता है। सबसे मेन बात जो आती है दोस्तों, वो होता है प्रोसेसर। अगर रेडमी नोट 9 प्रो के प्रोसेसर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस मोबाइल में आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर यूज किया गया है। अगर वही रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के प्रोसेसर के बारे में बात करें दोस्तों, इस मोबाइल में आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर यूज किया गया है। दोनों मोबाइल का प्रोसेसर जो है दोस्तों सेम है, बैटरी भी सेम है और डिस्प्ले भी सेम है दोस्तों। आपको ये थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है दोस्तों चार्जर और कैमरा में। अपने दोनों मोबाइल में अंतर देखा दोस्तों, जो आपको पसंद हुआ आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यार सा कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय जय भारत।